अच्छा जी, ये कब्रों की ज़ियारत का शरई तरीका इन्होंने यहाँ लिख दिया है, आप पढ़ लें। और हर ज़बान में तकरीबन लिख दिया है, वरना ये आपको शिर्क शिर्क करके बाकी बाउंड्री वाल के साथ ही साथ आगे जा गए। अच्छा जी, ये आप यहाँ से सीधा निकले, गेट नंबर आपको नज़र आ रहा है 362। आगे आप जाएंगे कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है जन्नतुल बकी की बाउंड्री के साथ साथ आगे जाएंगे तो आपको वहाँ पे अलबेक मिल जाएगा, यहाँ का मशहूर चिकन। अच्छा जी, ये रास्ता, ये ऊंचाई की तरफ हम चढ़ रहे हैं, जन्नतुल बकी को जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम यार। अच्छा जी, ये रास्ता है जन्नतुल बकी का, ये मेन गेट से हम लोग इंटर हो रहे हैं। और अब यहाँ कुछ सहाबा की कब्रें मौजूद हैं। अच्छा, ये फिर इन्होंने शरई तरीका बता दिया आपको, तो शरई तरीका क्या है। ठीक है जी, ये आप पढ़ लें। अच्छा जी, ये बीबी फातिमा तो ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और उनके साथ कब्र है हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, और फिर उनके बराबर में हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये कब्र है। आपको दिखा दी हमने अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक के एहसान के उसने ज़्यारत हमें यहाँ की नसीब की। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियाँ बीबी कुलसूम और बीबी रुकैया की कब्र है, बिल्कुल साथ में है ये, आप देख लें। बीबी कुलसुम और रुकैया, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अजवाज की कब्रें यही हैं, अम्मा आयशा वगैरह, इसकी डिटेल हम आपको बताएंगे। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये तुर्बत है, आकिल बिन अबू तालिब, अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अच्छा, ये तो नए है ना, ये पुराने। अच्छा, ये पुराने वो ना, ये लेफ्ट साइड की तरफ जाना है। इमाम मालिक। कौन सी वाली? इमाम मालिक। ये इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की कब्र है, अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है, देखो नसीब किया। इमाम नफी है, इमाम मालिक। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे हज़रत इब्राहिम, जिनका अपने बचपन में कमसिनी में इंतकाल हो गया था, ये उनकी मुबारक कब्र है। अस्सलाम वालेकुम, ये शोदा कराम की कब्रें हैं, ये जो उहद में ज़ख्मी हो गए थे, बाद में अल्लाह करीम ने उनको शहादत से सरफराज किया, और इनके नाम इंशाल्लाह हम आपको मेंशन करेंगे। ये शोदा उहद की बाद में आकर यहाँ शहीद हुए, जो ज़ख्मी हो गए थे। अच्छा जी, यहाँ पे लोग आते हैं और उन्हें नहीं पता होता यहाँ कौन से किस सहाबी की कब्र है। ये बड़ा जुल्म है सऊदी गवर्नमेंट का कि कम से कम वहाँ पे लोगों को पता तो हो किसकी कब्र है, वहाँ जाके आदमी उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ कर ले एटलीस्ट, लेकिन बस आप यहाँ कुछ बोल नहीं सकते। लोगों की रिहाइशी थी, उन्होंने कब्रें बनाई करीब करीब।
सब कदीम किताबें हैं ये, सहाबाए कराम की, ताबेईन, तबे ताबेईन। वो जो टुकड़ा है दूर जलवा, वो नया टुकड़ा है और उसमें ज़ाहिर है नए लोग हैं। हम यहाँ की ज़्यारत के लिए आए हैं कब्रों की, इसलिए अच्छा जी, जो कब्रों पे आपको क्रेश नज़र आ रहा है ये इस चीज़ की निशानी है कि ये पुरानी कब्र हैं और इनको कोई चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। बाकी जो ये कब्रें हैं नई, इनको चेंज कर दिया जाता है, लोग अपने मरहूमीन को यहाँ दफना देते हैं। यहाँ सुना है बुलडोज़र भी चला दिया गया है, पुरानी कब्रें महफूज हैं उस तरफ, वो देखें सारे सहाबाए कराम, ताबईन, तबे ताबईन। आप ये है बुस्सात की कब्र है, काफ़ी बड़ा आता है लेकिन वहाँ हम नहीं जा सकते, तो दूर से आपको दिखा देते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं इनकी तस्वीर, करीब तो नहीं जाने देंगे, करीब जाएंगे तो बोलेंगे यल्ला है जी भागो, अली भी हो साईं, अली भी हो। और ये शायद हज़रत अली की वालदा की भी कब्र, कब्र दाई हलीमा की है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनको जिन्होंने दूर पिलाया था बचपन में, ये उनकी कब्र है दाई हलीमा, दाई हलीमा सादिया। अल्लाह पाक इनके दर्जात बुलंद करें, करोड़ों रहमत करें, आमीन। खलीफा मज़लूम शहीद हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कब्र मुबारक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिही, या अल्लाह जी। बड़ा खूबसूरत पहाड़ है पीछे, लेकिन पहाड़ी पहाड़ है, मक्के में मदीने में अरब में पहाड़ी पहाड़ मिलेगा आपको। अच्छा जी, जन्नतुल बकी भी बाउंड्री के साथ आते आते इस बिल्डिंग के पीछे अलबेक है, जो आप लोगों का मशहूर चिकन है, लोग बड़े शौक से खाते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमसिन साहबजादे हज़रत इब्राहिम कब्र अतर, एक कब्र और है बिल्कुल हट के एकदम कोने में अगर आपको नजर आ रही है, जो बड़ा सा आता है सबसे हटके। ओ मिंडाया हाजी, मुमीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। और ये भाई सुले करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे, अब्दुल्ला बिन जाफर मुस्लिम की वाइफ, जो अब्दुल्ला बिन जाफर पे जा रहा है, वहां पे रुक जाएं। एक कब्र और है जी, वहां जाने नहीं देते।